नमस्ते दोस्तों, मैं नीता गांधी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल की बहुत ही फेमस रेसिपी बप्पा दोई बनाने जा रही हूँ। तो चलिए बप्पा दोई बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 200 ml कंडेंस मिल्क लेंगे। मीठे के हिसाब से कंडेंस मिल्क 2-3 चम्मच कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ml गाढ़ा दही, 200 ml दूध, 200 ml। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर से मिक्स कर लेती हूँ। आप इसे बीटर से भी बीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ। यह इसी प्रकार से तैयार होता है। इसी स्टेज पर हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए इलायची पाउडर ऐड करेंगे। मैं हमेशा इसी तरह इंडिविजुअल सर्विंग करती हूँ। आप चाहे तो बड़े पॉट में भी सेट कर सकते हैं। अब मैं इसमें तैयार मिश्रण पोर कर लेती हूँ। इसके ऊपर केशर के धागे डाल लेती हूँ। मैं हमेशा मीठे दही पर इसी तरह गार्निश करती हूँ, जिससे बप्पा दोई बहुत ही सुंदर दिखता है। अब हम इसे एल्युमिनियम फॉइल से पैक कर लेते हैं ताकि पानी अंदर न जाए। स्टीम करने के लिए हमने इडली कुकर यूज़ कर रहे हैं। इसमें पानी हमने लिया हुआ है, पानी उबल रहा है। कटोरी को कुकर में रख देती हूँ। अब इसे बंद कर लेते हैं। इसे 12 मिनट तक हम स्टीम करेंगे। 12 मिनट हो चुके हैं और कुकर खोल देती हूँ। ठंडा करके इसे फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा टेस्टी डेलीशियस मुंह में घुल जाने वाला बप्पा दोई तैयार है। आप इसे एक बार बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। धमाका मनोरंजनाचा आपल्या घरात तारांगण चॅनल लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।